कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खास तौर से सरसों सीड के बाजार के बारे में। आज जानेंगे हफ्ते की शुरुआत किस तरह से हुई है, बीते हफ्ते किस तरह का कारोबार देखा गया है, सरसों सीड में क्या कीमतें रह सकती हैं, विस्तार से इस बारे में आपको बताएंगे। इसलिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सरसों सीड के बाजार के बारे में बात करते हैं। पिछले सप्ताह मार्केट में कीमतें लगभग स्थिर देखी गई। सरसों तेल और सरसों खल की कीमतों में मामूली तेजी से सरसों में गिरावट सीमित बनी रही है। वहीं नेफेड सरसों खरीदारी के लिए ऊंची बोली से भी सरसों कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। व्यापारी सूत्रों का मानना यह है कि सरसों का उत्पादन आधिकारिक आंकड़ों से काफी कम है, इसीलिए एसोसिएशन को उत्पादन के आंकड़ों में संशोधन करना चाहिए। जयपुर का जो रेट रहा है वो 5900 से लेकर 6050 के बीच पिछले हफ्ते देखा गया। और हफ्ते की शुरुआत भी मार्केट में ना बहुत ज्यादा तेजी से हुई है ना बहुत ज्यादा गिरावट से हुई है। बात करते हैं रेट के बारे में तो जयपुर का रेट 6000, दिल्ली कीमतें 5700, बरवाला का रेट 5300 से लेकर 5325 के बीच देखा गया, 25 रुपए तक यहाँ बढ़े हैं। हिसार का रेट 5500 से लेकर 5600 के बीच रहा, 100 रुपए तक की बढ़त दर्ज करी गई। इसके अलावा सलोनी प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो सलोनी शमशाबाद का रेट 6400 रुपए रहा, 25 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई। यहाँ पर सलोनी डिग्नेट कीमतें 6400 रुपए देखी गई, जहाँ 25 रुपए तक की नरमी आई। सलोनी अलवर का रेट 6400 रुपए रहा, 25 रुपए तक की यहाँ पर गिरावट के साथ बाजारों में कारोबार देखा गया। सलोनी कोटा का रेट 6750 रुपए मार्केट में देखा गया, जहाँ पर भी 25 रुपए तक की नरमी बाजारों में दर्ज करी गई। जयपुर सरसों 6050 के रेजिस्टेंस स्तर के काफी करीब बंद हुआ। जयपुर सरसों रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 6050 के रेजिस्टेंस स्तर के करीब बंद हुआ है और इसे पार करने में असमर्थ रहा है। हमारी राय अभी भी दिवाली तक के लिए अगर आपको देंगे तो दिवाली तक सरसों के तेल को स्टॉक खाली करने की अपनी राय पर बरकरार है। मार्केट में आप जरूरत के हिसाब से व्यापार करके चले और दिवाली को देखते हुए डिमांड अगर अच्छी रहती है तो आने वाले समय में तेजी तो आपको लंबी चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बाजार सीमित जरूर रह सकता है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। Thanks for watching Bureau Report News Market 24.